हेलो हाय आदाम नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2020-21 के सोशल ऑडिट हेतु चेकलिस्ट। आज हम इसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप और Telegram ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो यह बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2020-21 के सोशल ऑडिट हेतु चेकलिस्ट। तो सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे प्राथमिक विद्यालय हेतु, और इसमें है सोशल ऑडिट कार्यकर्ता का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर सामने लिखा जाएगा, और सत्यापन तिथि सामने लिखी जाएगी, और जनपद का नाम सामने लिखा जाएगा। इसी तरह से ये सब चीज़ सामने लिखे जाने हैं। विकास खंड का नाम, विद्यालय का नाम जिसके लाभार्थियों का सत्यापन किया गया, और विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम व मोबाइल नंबर, विद्यालयों की कक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या जिन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत गेहूं चावल व धनराशि उपलब्ध कराई गई है, और छात्र उसके अभिभावक का नाम एवं कक्षा जिसका सत्यापन किया गया का आधार संख्या मोबाइल नंबर एवं बैंक का नाम तथा खाता संख्या। क्षेत्र दिवस हेतु खाद्यान्न 7 किलो 600 ग्राम और गेहूँ 2 किलो 500 ग्राम, चावल 5 किलो 100 ग्राम और कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं सामने अंकित किया जाएगा। और क्षेत्र दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि ₹374 बैंक खाते में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। और 49 दिवस हेतु खाद्यान्न 4 किलो 900 ग्राम, गेहूँ 1 किलो 630 किलोग्राम और चावल 3 किलो 270 किलोग्राम कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। और 49 दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि ₹243.50 और बैंक खाते में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। 138 दिवस हेतु खाद्यान्न 13 किलो 800 ग्राम और गेहूँ 4 किलो 600 ग्राम, चावल 9 किलो 200 ग्राम और कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं सामने अंकित किया जाएगा। इसी तरह से 138 दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि ₹685 बैंक खाते में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। विद्यालय में MDM रजिस्टर उपलब्ध है अथवा नहीं। MDM रजिस्टर में वितरित धनराशि अथवा खाद्यान्न का अंकन नियमित किए जाने की स्थिति और खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण से संबंधित प्रपत्र के रखरखाव की स्थिति और विद्यालय में कार्यरत रसोइयों की संख्या, रसोइयों को वित्तीय वर्ष में 10 माह का मानदेय उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की स्थिति जो भी हो उसकी स्थिति क्लियर करनी है आपको, रसोइयों को अप्रैन व ग्लव्स उपलब्ध कराए जाने की स्थिति, विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था और विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है अथवा नहीं, ये किस प्रकार की है, और विद्यालय प्रबंध समिति गठित है अथवा नहीं। तो सभी विद्यालयों की गठित है। विद्यालय प्रबंध समिति के मुखिया का नाम व मोबाइल नंबर, और विद्यालय में मां समूह गठित है अथवा नहीं। मां समूह की अध्यक्षता का नाम व मोबाइल नंबर, विद्यालय को किचन गार्डन के लिए अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं। और इसी तरह से विद्यालय में किचन गार्डन स्थापित है अथवा नहीं। विद्यालय में निर्मित किचन स्टोर की स्थिति है अथवा नहीं, और विद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिए जा रहे सहयोग से बच्चे व उनके अभिभावक संतुष्ट हैं अथवा नहीं। मध्याह्न भोजन योजना का छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन टिप्पणी करेंगे आप कि क्या प्रभाव पड़ा, बच्चे की बढ़ोतरी हुई अथवा नहीं, नामांकन में बढ़ोतरी हुई अथवा नहीं, और सोशल ऑडिटर के रूप में योजना में गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव एवं प्रस्तुति यहाँ पर आपको देनी है, और नौ सत्यापन अधिकारी द्वारा
सोशल ऑडिट से संबंधित विद्यालय के कम 10 छात्रों के घर जाकर बच्चों तथा उनके अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की जाएगी और यहां हस्ताक्षर किए जाएंगे ऑडिटर के। और यह है शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2020-21 के सोशल ऑडिट हेतु चेकलिस्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु। सोशल ऑडिट कार्यकर्ता का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर, सत्यापन तिथि, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, विद्यालय का नाम जिसके लाभार्थियों का सत्यापन किया गया सामने अंकित किया जाएगा और विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम व मोबाइल नंबर सामने लिखा जाएगा और विद्यालय की कक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या, जिन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत गेहूँ, चावल व धनराशि उपलब्ध कराई गई है, छात्र, उसके अभिभावक का नाम एवं कक्षा जिनका सत्यापन किया गया का आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं बैंक का नाम तथा खाता संख्या। और इसमें है आपका क्षेत्र दिवस हेतु खाद्यान्न 11 किलो 400 ग्राम, गेहूँ 3 किलो 800 ग्राम, चावल 7 किलो 600 ग्राम कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं अंकित किया जाएगा सामने। और क्षेत्र दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि 561 बैंक खाते में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। और 49 दिवस हेतु खाद्यान्न 7 किलो 350 किलोग्राम, गेहूँ 2 किलो 450 ग्राम, चावल 4 किलो 900 ग्राम और कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। और 49 दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि 365 बैंक खाते में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। 124 दिवस हेतु खाद्यान्न 18 किलो 600 ग्राम, गेहूँ 6 किलो 200 ग्राम, चावल 12 किलो 400 ग्राम कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। और इसी तरह से 124 दिवस हेतु परिवर्तन लागत की धनराशि ₹923 और बैंक खाते में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। विद्यालय में MDM रजिस्टर उपलब्ध है अथवा नहीं। MDM रजिस्टर में वितरित धनराशि व खाद्यान्न का अंकन नियमित रूप से किए जाने की स्थिति और खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं वितरण से संबंधित प्रपत्र के रखरखाव की स्थिति और विद्यालय में कार्यरत रसोइयों की संख्या, रसोइयों को वित्त वर्ष में 10 माह का मानदेय उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की स्थिति और रसोइयों को अप्रैन वे ग्लव्स उपलब्ध कराए जाने की स्थिति, विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था, विद्यालय में पेयजल की उपलब्धता और विद्यालय में प्रबंध समिति गठित है अथवा नहीं सामने लिखा जाएगा और विद्यालय प्रबंध समिति के मुखिया का नाम वे मोबाइल नंबर, विद्यालय में महासमूह गठित है अथवा नहीं और महासमूह की अध्यक्षता, अध्यक्ष का नाम वे मोबाइल नंबर और विद्यालय को किचन गार्डन के लिए अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं, विद्यालय में किचन गार्डन स्थापित है अथवा नहीं, विद्यालय में निर्मित किचन स्टोर की स्थिति और विद्यालय के अध्यापक द्वारा दिए जा रहे सहयोग से बच्चे उनके अभिभावक संतुष्ट हैं अथवा नहीं सामने लिखा जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के छात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव का मूल्यांकन ये सभी ऑडिटर के द्वारा भरा जाना है जिसको आप पूर्ण पहले ही कर लेना चाहिए। जो भी आपकी ये पूर्ति है, डिमांड है इन निधियों की, तो ये आपको पूर्ण भी कर लेनी है। और सोशल ऑडिट ऑडिटर के रूप में योजना में गुणवत्तात्मक सुधार हेतु सुझाव एवं संस्तुति और नॉट सत्यापन अधिकारी द्वारा सोशल ऑडिट से संबंधित विद्यालय के कम से कम 10 छात्रों पर घर जाकर बच्चों तथा उनके अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की जाएगी और हस्ताक्षर ऑडिटर के यहाँ किए जाएंगे। जब आपसे ये पूछताछ कर ली जाएगी, छानबीन कर ली जाएगी, तब ऑडिटर के नीचे साइन कर लिए जाएंगे। आप इन कागज़ों को, आप इन बिंदुओं को पूर्ण कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।